मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की पहली CABG या कोरोनरी बाईपास सर्जरी सुरक्षित और संपूर्ण रूप से सफल हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि ये सर्जरी पारंपरिक रूप से स्तन की हड्डी को विभाजित करके या काट कर की जाती है। डॉक्टर अमित चौधरी ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि MICS CABG का मतलब मिनिमली इन्वेसिव कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी है और ये भारत में हृदय बाईपास सर्जरी का एक नया रूप है जो कोरोनरी बाईपास करने की अपेक्षाकृत नई और उन्नत तकनीक है। इस तकनीक में 4 सेंटीमीटर के छोटे चीरे के माध्यम से बाई छाती के किनारे से हृदय तक पहुंचा जाता है। ये कट निप्पल के ठीक नीचे लगाया जाता है। किसी भी हड्डी को काटे बिना और मांसपेशियों को विभाजित किए बिना पसलियों के बीच छाती में प्रवेश किया जाता है। डॉक्टरों की टीम ने यह भी कहा कि भारत की आयुष्मान योजना की मदद से कोई भी पीड़ित गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में आकर इसका लाभ उठा सकता है। अब दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर मुरादाबाद में ये सर्जरी संभव है। इस दौरान हॉस्पिटल के CMD डॉक्टर NK पांडे, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने कार्डियोलॉजिस्ट विभाग की टीम को बधाई दी। टीम में डॉक्टर राज कपूर, डॉक्टर अमित चौधरी, डॉक्टर अनुभव कपूर, डॉक्टर गीतेश मानिक और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। अच्छा, आपने अपना ऑपरेशन कहाँ करवाया? विवेकानंद में। अच्छा, काहे का ऑपरेशन था? बाईपास सर्जरी हुई आपकी। अब बताइए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? हमारे डॉक्टर ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, साफ तारीफ कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोले कि ऐसे वैसे अब क्या स्थिति है, आप घबराए हुए हैं या संतुष्ट हैं? संतुष्ट पूरी तरह। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो इस रोग में घिरे हुए थे? अगर कोई ऐसा हो तो मेरा नाम डॉक्टर अमित चौधरी है, मैं डायरेक्टर हूँ कार्डियक सर्जरी का एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और हम वहाँ से एशियन हॉस्पिटल विवेकानंद में कार्डिक सर्जरी का प्रोग्राम चलाते हैं। डॉक्टर गीतेश मानिक जो कि यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मिलकर के, और हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, और पिछले 2.5 साल से हम लोग यहाँ पे कार्डिक सर्जरी कर रहे हैं सक्सेसफुली, और बहुत सारे पेशेंट हम लोग आई थिंक 350-400 पेशेंट्स यहाँ पे कर चुके हैं सक्सेसफुली। और अब हमने एक नया आयाम दिया है, वो ये कि मिनिमल इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है, जिसमें कि बहुत छोटे कट से चेस्ट में किसी भी बाईपास सर्जरी को किया जा सकता है। और उसका फ़ायदा यह है कि इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है, पेशेंट तीसरे से चौथे दिन घर चला जाता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और कॉस्ट की जहां तक बात हो, हम इसको आयुष्मान भारत योजना के अंडर में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसकी की कॉस्ट अगर आप किसी भी और हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर कि ये होती है, वहां से 4 से 5 लाख से कम में कहीं नहीं होता। कितने का पैकेज है आयुष्मान? और इसमें जो नॉर्मल पैकेज है उसी में करते हैं हम लोग। आई थिंक मरीज के लिए तो जीरो है, मरीज के लिए कुछ नहीं है, मरीज को कुछ नहीं देना होता। ये भी जो होएगा वो वहां से सरकार से इसका क्लेम। सरकार क्या दे रही है? 1,30,000। हाँ, 1,30,000 1.5 लाख के आसपास जो भी उनका फिक्स गवर्नमेंट ने रखा हुआ है पैकेज, उसी के अंडर किया जाता है मरीज के लिए शून्य। हाँ, इसमें मरीज से हम कुछ भी चार्ज नहीं करते एक्स्ट्रा, और जो आयुष्मान में कवर्ड नहीं भी है उनके लिए भी हम लोग ये बहुत ही कम सब्सिडाइज रेट पे करने को तैयार है। और कितने का पैकेज होगा उन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड? देखिए, अभी शुरू में तो हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा हुआ है, जो नॉर्मल एक बाईपास सर्जरी की कॉस्ट होती है 2 लाख 2.25 लाख के आसपास, हम उसी में इसको करेंगे, तो अभी कोई एडिशनल चार्ज हम नहीं ले रहे हैं एज ए प्रमोशनल ऑफर मुरादाबाद सिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो जो भी कराना चाहता है वो आए यहाँ पे, और हम उसको ये सर्विस सेम उसी कॉस्ट पे देने को तैयार हैं।